दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पैसा कमाना और उस पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करना, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ज़ीरोधा के अंदर आप CNC ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको चार डिफरेंट ऑर्डर लगा के बताऊंगा और ये ऑर्डर कौन कौन से होंगे। पहला ऑर्डर होगा मार्केट ऑर्डर, दूसरा होगा लिमिट ऑर्डर, तीसरा होगा स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, चौथा होगा एक सिंगल ऑर्डर के अंदर आप बाय, टारगेट और स्टॉप लॉस, तीनों ऑर्डर एक साथ एक सिंगल ऑर्डर में आप कैसे लगा पाएंगे। और इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि डे और IOC वैलिडिटी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं कि जब भी हम CNC ऑर्डर लगाते हैं तो क्या हम उसको सेम डे पे सेल कर सकते हैं या फिर आज खरीदने के बाद कल सेल कर सकते हैं, और क्या उनपे जो ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं वो कितने लगते हैं। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक ज़ीरोधा के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, वहां से जाके आप चेकआउट करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और जो ट्रेड मैं आपको आज बताने वाला हूं उस तरह से आप ट्रेड करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये ओपन कर लिया है हमने ज़ीरोधा का काइट डैशबोर्ड। अगर आपको भी लॉगिन करना है तो आप kite.zerodha.com पे जाके अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे एक्सेस कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस होता है, काइट ऐप है ज़ीरोधा की, उसको डाउनलोड करके और उसके अंदर भी ये ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं आपको लैपटॉप पे दिखा रहा हूं ताकि आपको विजुअल क्लियर हो, आपको ये पता चले कि ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ऑर्डर कैसे देखते हैं। बाकी ये सारे ऑप्शंस आपको मोबाइल में भी डिड टू सेम मिलते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक सिंगल ऑप्शन का भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन ज्यादा बेटर होती है, इसलिए मैं आपको ये लैपटॉप पे करके बता रहा हूं। तो यहां पर सबसे पहले आपको ट्रेड करने से पहले फंड ऐड करना है, तो मैं वो प्रोसेस भी बता देता हूं ताकि इसी प्रोसेस में क्लियर हो जाएगा कि फंड भी कैसे ऐड करते हैं। तो यहां पर आपको फंड्स में जाना है, फंड्स में जाने के यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐड फंड्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर अब आपको फंड ऐड करना है तो मैं यहां पर 1000 रुपीज ऐड करने के लिए डाल देता हूं। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अब इस बैंक अकाउंट से आपका पैसा कट जाएगा। UPI के थ्रू अगर आप करेंगे तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो यहां पर अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करते हैं तो आपको कुछ चार्जेस पे करने होते हैं। जैसे मैं नेट बैंकिंग में क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि चार्जेस ऑफ 9 रुपीज प्लस GST आपको देना होगा, तो इसलिए आप UPI से पेमेंट करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। यहां पर UPI पे क्लिक कीजिए, अपना UPI ID डालिए और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। तो यहां पर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं। अब आपको यहाँ आपकी जो ऐप है उस पे पेमेंट को एक्सेप्ट करना है, और जैसे एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पेमेंट हो जाएगा, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। मैं यहाँ पर क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ऐड हो गए हैं। तो अब सबसे पहले करना क्या है कि आपको जिस स्टॉक को बाय करना है उस स्टॉक को यहाँ पे सर्च करके ऐड कर लीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, SBI अगर आपको ऐड करना है तो SBI पे क्लिक किया, यहाँ पर NSE का आ गया है, तो यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लिस्ट में ऐड हो गया है SBI। तो अब हम यहाँ पर स्टॉक को बाय करके और प्रोसेस को समझते हैं कि कैसे आप CNC में ऑर्डर बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। तो पहला जो है, जैसे मैंने ICICI बैंक पे लेके गया तो यहाँ पर B मतलब बाय, S मतलब सेल, तो मुझे बाय करना है तो मैं B पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ मैं ऑर्डर्स की विंडो ओपन कर लेता हूँ ताकि जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करूँ तो यहाँ पर ऑर्डर जो है वो मुझे दिखाई देना चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये कर लिया मैंने। अब यहाँ पर जो आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जैसे कि MIS और CNC, तो हम आज बात कर रहे हैं CNC की, यानी कि कैश एंड कैरी के डिलीवरी बेस्ड जो ट्रेड्स होते हैं उनके लिए CNC यूज करते हैं। MIS होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, तो यहाँ पर मार्जिन मिलता है आपको जिसके थ्रू आप, अगर आपके पास कम पैसा है तो भी आप ज्यादा पैसे में ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें करनी है CNC में ट्रेड, तो हमें सबसे पहले CNC सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाते हैं मार्केट, लिमिट, SL, SLM, इन सभी ऑर्डर्स को एक एक करके हम लगा के देखेंगे। इसके अलावा नीचे आपको मिलता है एक GTT ऑर्डर जो कि स्टॉप लॉस और टारगेट ऑर्डर के साथ, और मोर ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है रेगुलर, BO, CO, AMO, डे और IOC। तो यहाँ पर आपको CNC के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो जो बिगिनर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑर्डर कैसे लगाया जाए। तो सबसे पहले जिनको यूज नहीं करना है मैं उनके बारे में आपको बता दूं ताकि वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि कौन से ऑर्डर टाइप यहाँ नहीं लगेगी ताकि वो कंफ्यूजन ना रहे जब भी आप CNC में ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो पहला है ब्रैकेट ऑर्डर। जब BO को क्लिक करोगे तो BO सिर्फ MIS में लगता है, तो ब्रैकेट ऑर्डर आप नहीं लगा सकते। दूसरे CO पे आप क्लिक करेंगे तो CO ऑर्डर भी आप MIS में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर BO और CO यानी ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर, ये दोनों आप CNC में नहीं लगा पाएंगे। तो आपके ये दो ऑप्शन तो CNC के लिए खत्म हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, बात करते हैं AMO की। तो AMO होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, जो कि मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है AMO का कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, जब मार्केट क्लोज हो जाता है तो उसके बाद ऑर्डर लगता है। तो यहां पर अब हमने तीन ऑप्शन देख लिए, BO,
ब्रैकेट ऑर्डर, सीओ कवर ऑर्डर और एएमओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर। तो ये तीन ऑर्डर आपके जब मार्केट ओपन है उस वक्त सीएनसी के थ्रू नहीं लगा सकते, तो ये तीन ऑप्शन तो खत्म हो गए। हाँ, एएमओ के थ्रू अगर आपको सीएनसी ऑर्डर लगाना है तो आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं, जिसका वीडियो मैंने सेपरेट बना दिया है। तो ये तीन ऑप्शन आपके खत्म हो गए, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? रेगुलर। तो यहां पर आपकी सारी कंडीशंस खत्म हो गई कि सीएनसी का जब ऑर्डर लगाते हैं तो आपको रेगुलर ही सेलेक्ट करना है, पहली बात क्लियर। अब ऑप्शन आता है डे और आईओसी। डे का मतलब होता है पूरे दिन के लिए, यानी अगर आपने सुबह 9:15 से लेकर 3:30 तक जो भी ऑर्डर लगाया तो इसके बीच में कभी भी एग्जीक्यूट हो सकता है आपके ऑर्डर लगाने के बाद में, ये पूरे दिन तक वैलिड रहता है। लेकिन आईओसी का मतलब होता है इमीडिएट और कैंसिल, यानी कि इस ऑर्डर को जैसे आप लगाएंगे तो आपने जो भी लिमिट ऑर्डर स्पेसिफाई किया है तो जिस प्राइस पे किया है, अगर वो प्राइस मार्केट में उस वक्त मिल रही होगी तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो 99.9% लोग इस ऑर्डर को नहीं लगाएंगे। अब मैं आपको एक सैंपल लगा के बताता हूँ ये कैंसिल कैसे होता है। जैसे सपोज करो सीएनसी में मुझे एक ये प्राइस चल रही 350, मैंने लगा दी कि 348 में मुझे मिलना चाहिए, ठीक है, 348 में लगा दी मैंने, रेगुलर ऑर्डर लगा दिया आईओसी पे। अब मैं इसको बाय करता हूं, जैसे मैंने बाय ऑर्डर प्लेस किया तो यहां पर आप देखिए बाय ऑर्डर कैंसिल हो गया, अनमैच्ड ऑर्डर कैंसिल्ड बाय द सिस्टम, क्योंकि 348 की प्राइस जो है वो चली नहीं रही थी, तो ये तुरंत के तुरंत कैंसिल हो गया। तो अब मैं वापस इस पे बाय पे क्लिक करता हूं, तो यहां पे अब आपको आईओसी ऑर्डर भी नहीं लगाना है, आपको कौन सा ऑर्डर लगाना है? डे। तो नीचे के जो ऑप्शंस हैं वो दोनों क्लियर हो गए कि सीएनसी के अंदर आपको रेगुलर लगाना है ऑर्डर और डे के लिए लगाना है कि पूरे दिन के लिए ऑर्डर। अब हम बात कर लेते हैं ऊपर के चार ऑप्शंस की, कि ऊपर के चार ऑप्शंस हैं वो क्या है। तो पहला है मार्केट ऑर्डर। यहां पर क्या है कि जैसे मैं एक स्टॉक बाय करने वाला हूं अभी आपको दिखाने के लिए, आप यहां पर क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, जैसे दो ले लेता हूं चलो मैं, तो यहां पर मैंने दो क्वांटिटी ली, पहला ऑर्डर लगाने जा रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा मार्केट ऑर्डर के साथ में, यानी कि जो प्राइस चल रही है, देखिए प्राइस कैसे फ्लक्चुएट हो रही है, 0.65, 0.60, तो इस तरह से हो रही है। तो जो ऑर्डर मैं आप प्लेस करने वाला हूं यहां पर, तो वो ऑर्डर मार्केट प्राइस जो मिल रही होगी उस ऑर्डर पे बाय हो जाएगा। ऑर्डर पहला हो गया मार्केट, क्वांटिटी हो गई दो, रेगुलर ऑर्डर है, डे के लिए है, बाय पे क्लिक करना है। जैसे आप बाय करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अभी ऑर्डर मैंने बाय कर लिया है, बाय करने के बाद मुझे इसका स्टेटस चेक करना है कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। इसके लिए आपको जाना है पोजीशंस में। पोजीशंस में आप देखेंगे तो यहां मुझे जो है 40 पैसे का फायदा हो रहा है, 50 पैसे का, 60, 80 पैसे का फायदा हो रहा है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सीएनसी क्योंकि कैश एंड कैरी है, डिलीवरी बेस्ड ट्रेड है ये, तो क्या हम इसे लॉन्ग टर्म में ही बेच सकते हैं? तो मैं आपको बताता हूं, सीएनसी में जो ऑर्डर होता है उसको आप आज भी बेच सकते हैं, कल भी बेच सकते हैं, परसों भी बेच सकते हैं, 10 साल बाद भी बेच सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इस स्टॉक से एग्जिट करने के लिए इस स्टॉक पे जाता हूं, यहां पर एग्जिट का ऑप्शन आता है, और जैसे ही आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहां क्वांटिटी जितनी आपने बाय करी थी वो आ जाएगा। इसके साथ साथ क्या होगा, ये सेल का ऑर्डर लग जाएगा एग्जिट करते ही। तो यहां पर मोर ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहां भी देखिए रेगुलर है और डे है। पहले आपने क्या लगाया था, मार्केट रेगुलर डे, अभी भी मैं क्या कर रहा हूं, मार्केट रेगुलर डे पे लगा रहा हूं, तो मार्केट प्राइस जो चल रही है उसी पे सेल हो जाएगा, है ना। आप चाहे तो लिमिट में भी लगा सकते हैं, सेल करने के लिए लिमिट में भी लगा सकते हैं और बाय करने में भी, लेकिन अभी मैं आपको सिंपल ऑर्डर बता रहा हूं कि मार्केट प्राइस में अगर आपको सेल करना हो तो क्या करना पड़ेगा। तो यहां मार्केट प्राइस कर ली मैंने, रेगुलर डे ऑर्डर किया, इसको मैं सेल पे क्लिक कर देता हूं, तो ये मैंने सेल पे क्लिक कर दिया, सेल ऑर्डर कंप्लीट हो गया। देखिए यहां पे ऑर्डर्स में जाएंगे तो यहां देखिए ये ऑर्डर पहला जो था मैंने बाय के लिए लगाया था 348.80 रुपए पे, और उसके बाद इस ऑर्डर को सेल किया मैंने 349.45 रुपए पे। अब यहां पर पहला सवाल आपका क्लियर हो गया कि सेम डे में आप सीएनसी ऑर्डर को बाय और सेल कर सकते हैं, इस ऑर्डर को आज बाय करके कल भी सेल कर सकते हैं, और पहला ऑर्डर हमने कंप्लीट किया जो कि था मार्केट ऑर्डर। अब यहां पर मैं एक चीज बता दूं, क्योंकि ये ऑर्डर आपने आज सेल किया है, आज ही खरीदा और आज ही सेल कर दिया, इसलिए आपको जो ब्रोकरेज के चार्जेस हैं वो इंट्राडे के लगेंगे, यहां पर डिलीवरी वाले नहीं लगेंगे, ध्यान रखना, यहां पर आपको इंट्राडे के चार्जेस देने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं अगले ऑर्डर की, तो वापस मैं ऑर्डर सेक्शन में आ गया। अब अगला ऑर्डर, तो यहां पर हमने ये समझा कि मार्केट ऑर्डर जो है वो ऑर्डर है जो मार्केट प्राइस में जो भी प्राइस चल रही होगी उस प्राइस पे बाय हो जाएगा और सेल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं लिमिट ऑर्डर की। लिमिट ऑर्डर में जैसे आपने क्लिक किया तो यहां पर देखिए प्राइस का सेक्शन जो है वो अनेबल हो गया। जब आप मार्केट में करते हैं तो ये डिसेबल रहता है कि मार्केट में जो प्राइस चल रही होती है उसी प्राइस में बाय हो जाता है। यहां पर लिमिट सेक्शन में क्लिक किया, अब आप लिमिट लगा सकते हैं। आपको लगता है नहीं, मैं तो 349.30 रुपए पे नहीं बाय करना चाहता, मैं इसको 349 रुपए में बाय करना चाहता हूं, मैंने एक लिमिट लगा दी,
कि मैं अपनी शर्तों पे बाय करूंगा, अपनी प्राइस पे बाय करूंगा, मार्केट की प्राइस पे बाय नहीं करूंगा, तो ये लिमिट ऑर्डर होता है बेसिकली। बाकी कंडीशन सेम रहती है रेगुलर और डे की, ठीक है। अभी हम स्टॉप लॉस की बात नहीं कर रहे, अभी सिंपल ऑर्डर बाय और सेल करने की बात कर रहे थे। यहां पर मैंने ऑर्डर प्लेस किया, बाय पे क्लिक करता हूं, ये ऑर्डर प्लेस हो गया। देखिए नीचे जो है एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आ रहे हैं सारे और ऊपर ओपन ऑर्डर आ रहे हैं, तो अभी ये ऑर्डर ओपन है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है LTP प्राइस, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 349.70 है। तो अब मुझे बहुत वेट करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकता हूं। तो यहां पर आपको जाना है, मॉडिफाई पे क्लिक करना है, तो वापस वही विंडो ओपन हो गई, या मोर ऑप्शंस में देखेंगे आपको वही ऑप्शन दिखेंगे रेगुलर डे के। आपको क्या करना है, इसकी प्राइस रिवाइज कर देनी है। मैंने ये प्राइस कर दी और मैंने इसको फिर मॉडिफाई कर दिया, तो जैसे ही मॉडिफाई किया तुरंत देखो हिट हो गया, क्योंकि मॉडिफाई करते ही उस प्राइस पे फटाफट वेरिएशन हो रहा था, तो 349.50 में मुझे ये शेयर फिर बाय हो गया है। अब मुझे इसको फिर सेल करना है, तो पोजीशंस में जाना है, तो यहां पर आप देखेंगे कि एक एक स्टॉक की पोजीशंस मुझे अभी दिखाई दे रही है। तो अब मुझे क्या करना है, यहां पर जाना है और एग्जिट पे क्लिक करना है। इन तीन डॉट पे जाने के बाद एग्जिट पे क्लिक करना है, एग्जिट पे करेंगे फिर सेल ऑर्डर आ गया। अब इस ऑर्डर में वही कंडीशन है कि आप इसको मार्केट में भी बेच सकते हैं मार्केट प्राइस पे जो कि अभी चल रही है, या इसको आप अपनी शर्तों पे बेच सकते हैं, नहीं यार मैं तो लिमिट प्राइस पे बेचूंगा इसको, तो ठीक है हम क्या करते हैं इसमें 50 पैसे की लगा देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सेल ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब ऑर्डर्स में जाके देखते हैं, तो ये ऑर्डर अभी लगा हुआ है, तो ये प्राइस जो है अभी चल रही है, तो जैसे ही अभी ये देखो टच हो गई, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, तो यहां पर आप पोजीशंस में जाके देखोगे तो ये ऑर्डर भी क्लोज हो गया मेरा। तो यहां पर ये जीरो क्वांटिटी हो गई, देखिए जब ऑर्डर क्लोज हो जाता है एग्जिट हो जाते हैं हम, तो यहां पर जीरो हो जाता है, पहले यहां एक क्वांटिटी आ रही थी। तो अभी तक हमने समझा कि किस तरह से मार्केट ऑर्डर में आप बाय करते हैं और मार्केट ऑर्डर में ही सेल कर देते हैं, या फिर लिमिट ऑर्डर में बाय करके लिमिट ऑर्डर में सेल करना, या फिर इसको आप उल्टा भी कर सकते हैं कि मार्केट ऑर्डर में बाय करो और लिमिट ऑर्डर में सेल कर लो। तो ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आप किसी स्टॉक पे स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगा पाएंगे अगर आप उसको CNC में बाय करते हैं। तो एक छोटा शेयर ले लेते हैं, जैसे आइडिया का इसको मैं बाय करता हूं, तो बाय करने का प्रोसेस वही है सिंपल जो अभी हमने बताया था। लिमिट प्राइस पे लेना है तो लिमिट प्राइस पे ले लीजिए, यहां मैं 10.80 कर देता हूं और रेगुलर ऑर्डर लगा दिया मैंने ये दो क्वांटिटी के साथ में, और इसमें से बाय ऑर्डर प्लेस कर देता हूं। तो यहां बाय ऑर्डर इज प्लेस्ड, ऑर्डर बुक में चलते हैं। यहां पर देखिए अभी ये दो का जो ऑर्डर है ये अभी चल रहा है, और जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एग्जीक्यूट होते ही ये नीचे आ जाएगा। तो अभी ये यहां पर देखते हैं, ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया कंप्लीट और ये ऑर्डर जो है बाय हो गया। अब हम पोजीशंस में चलते हैं, तो पोजीशंस में देखिए होल्डिंग के लिए मैंने बाय किया CNC में, तो यहां पर ये दो क्वांटिटी जो है आ रही है। तो यहां पर अब हम स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर के लिए वापस से एग्जिट पे क्लिक करना है सेम वे में पहले हमने एग्जिट किया था मार्केट और लिमिट प्राइस को लेकर। अब हम करेंगे SL और SLM को लेकर। तो डिफरेंस क्या है, SL होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर, यानी कि जब आपको लगता है कि आपका स्टॉक जो है वो डाउन हो सकता है, तो उसमें अपने लॉस को कवर करने के लिए आपको स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना होता है। और ये जो ऑर्डर लगता है ये दो प्राइस के साथ लगता है, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस के साथ। जबकि SLM यानी स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर जो लगता है वो सिर्फ ट्रिगर प्राइस के साथ लगता है। दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लीजिए। SLM की बात करते हैं सबसे पहले, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर यानी कि इसमें सिर्फ एक प्राइस लगी। तो अगर मैंने सपोज करो यहां पे दिया कि 10.75 रुपए का जो स्टॉक है वो जैसे ही 10.55 रुपए पे जाएगा तो आपका ऑर्डर जो है वो एक्सचेंज को चला जाएगा, और उसके आसपास जो भी प्राइस चल रही होगी उस पर आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं एक बार इस ऑर्डर को सेल करके प्लेस करके दिखा देता हूं। ये मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ये आप ऑर्डर्स में जाएंगे तो आपको यहां पे मिल जाएगा ये ऑर्डर्स प्लेस हो गया है। तो यहां पर ट्रिगर लग गया है कि 10.55 रुपए पे जाएगा तो ये सेल हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इसको मैं एक बार कैंसिल कर देता हूं, ये मैंने कैंसिल किया ऑर्डर। अब मैं वापस पोजीशंस में जाता हूं। अब बात करते हैं दूसरे ऑर्डर की जो है स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो यहां पर हमने समझ लिया कि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर के अंदर जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऑर्डर एक्सचेंज पे जाएगा ट्रिगर प्राइस पे, और उसके आसपास प्राइस जो भी मार्केट में चल रही होगी उस प्राइस पे आपका स्टॉक जो है वो सेल हो जाएगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर की बात करें तो यहां पर मैंने जैसे 10.55 रुपए का ट्रिगर दिया और 10.50 रुपए पे ये स्टॉक सेल हो जाना चाहिए, यानी कि 10.55 रुपए जैसे ही स्टॉक गिरेगा ये ऑर्डर एक्सचेंज को जाएगा, और जैसे ही प्राइस 10.50 रुपए पहुंचेगी तो वही मेरा ऑर्डर जो है वो सेल होगा। जबकि स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में ट्रिगर प्राइस के आसपास जो भी प्राइस चल रही होती है उसी प्राइस पे आपका स्टॉक जो है वो सेल हो जाता है। तो इसको भी ऑर्डर को लगाना है तो सेम तरीका है, सेल करके लगा दीजिए। ये ऑर्डर प्लेस हो गया, ऑर्डर्स में गए, ऑर्डर्स में देखेंगे तो ये ऑर्डर लग रखा है। अब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए इसके लिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूं मॉडिफाई।
मैं इसकी प्राइस थोड़ी सी कम कर देता हूँ ताकि ये जल्दी से हो जाएगा। तो चलिए मैं काम करता हूँ कि इसका ट्रिगर प्राइस ये लगा देता हूँ और ये प्राइस ये लगा देता हूँ, ठीक है, 10 रुपए 70 पैसे। इसको मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं, तो यहाँ मॉडिफाई पे क्लिक कर दीजिए। तो अब आपका ऑर्डर रिवाइज हो गया और रिवाइज होती एग्जीक्यूट हो गया। देखिए तो अब आप पोजिशन में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरी पोजिशन कट चुकी है, मतलब अब मेरे पास ये शेयर नहीं है। तो इस तरह से आप सीएनसी में इंट्रा डे के लिए आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं या स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाते हैं। तो अभी तक हमने समझा कि मार्केट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, और किसी ऑर्डर को बाय करने के बाद उसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाते हैं। और अब चौथा ऑप्शन जो है हमारा वो है जीटीटी ऑर्डर का, जिसके अंदर आप एक ही ऑर्डर के अंदर आप तीन ऑर्डर लगा पाएंगे, बाय ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर और टारगेट ऑर्डर। ये तीनों ऑर्डर एक साथ लगेंगे और ये तीनों ऑर्डर को हम देख लेते हैं कैसे लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने बाय पे क्लिक किया, अभी सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए हमारे। तो यहाँ पर आपको जीटीटी का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको ऐप के अंदर भी ऐसा ही ऑप्शन मिलेगा। तो आप एक ही ऑर्डर में तीनों ऑर्डर लग जाएंगे आपके, कैसे दिखाता हूं मैं आपको। मैं एक लिमिट ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं कि 349 की जगह 348 की प्राइस पे या 349 पे मुझे बाय करना है। मैं काम करता हूं 349 पे बाय प्राइस लगाता हूं, सेट स्टॉप लॉस पे क्लिक करता हूं, सेट टारगेट पे क्लिक करता हूं, 5% इस पर, यहां पर आपको परसेंटेज वाइज देना, याद रखिएगा परसेंटेज वाइज। तो कितना लॉस आप बियर कर सकते हैं, तो आप 3% का लॉस बियर कर सकते हैं ये मानते हैं। माइनस में आएगा स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, यानी कि वैल्यू डाउन होगी तो गिरेगी। तो 3% अगर आप देखो इसका तो कितना हो जाएगा, लगभग 9 रुपए से ऊपर हो जाएगा। तो स्टॉक तो जाना ही नहीं है, तो अगर आप 1% भी लगाते हैं तो बहुत है स्टॉप लॉस। तो ये आपको देखना है कि स्टॉप लॉस लगाना कितना है। अब यहां पर आपको टारगेट ऑर्डर लगाना है, वो प्लस में लगेगा 5% जैसा बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। तो यहां पर आप अपने हिसाब से, आपको लगता है कि स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है आज के दिन में, उतना ही आपको लगाना है। तो यहां पर मैं 1% का टारगेट लगा देता हूं, 2% का लॉस लगा देता हूं। उसके बाद मैं इस ऑर्डर को बाय पे क्लिक करता हूं। देखिए लिमिट ऑर्डर लगाया मैंने, जीटीटी ऑर्डर पे यहां पर स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट लगाया है रेगुलर और डे लगाया है। यहां पर ऑर्डर लग गया, देखिए यहां पर जीटीटी का साइन भी आ रहा है। 349 की प्राइस लगाइए, 350 रुपए 40 पैसे की एलटीपी चल रही है, तो बहुत मुश्किल है 349 रुपए की प्राइस पे आ जाना। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, इसको एक बार मॉडिफाई करते हैं। तो यहां पर राइट, तो यहां तीन डॉट पे क्लिक किया, मॉडिफाई पे क्लिक किया, अब प्राइस चल रही है 350 रुपए समथिंग, तो मैं यहां कर देता हूं 350 रुपए 40 पैसे, ठीक है, बाकी चीजें वही है एज इट इज। तो मॉडिफाई पे क्लिक कर देता हूं, ये ऑर्डर देखिए प्लेस हो गया दोबारा से। अभी प्राइस चल रही है 350.55, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। देखिए ये ऑर्डर जैसे एग्जीक्यूट हुआ तो यहां पर आप पोजीशंस में आपके देखिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक शेयर आपका बाय हो गया है। तो आप देखते हैं वो ऑर्डर लगा कि नहीं लगा। तो ऑर्डर्स में जाना है, यहां पर आप देखेंगे जीटीटी में, तो जीटीटी में एक ऑर्डर लग गया। देखिए बाहर ऑर्डर नहीं लगा आपकी बार, क्योंकि ऑर्डर जीटीटी था। तो जीटीटी में आप देखेंगे दो ऑर्डर है, तो इसीलिए इसका नाम है ओसीओ, वन कैंसिल्स द अदर, कि एक ऑर्डर कोई सा भी एग्जीक्यूट होगा, चाहे आपका स्टॉप लॉस वाला हो चाहे आपका टारगेट ऑर्डर हो, तो जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा उस पे आपका दूसरा वाला ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर मैं एक बार इस ऑर्डर को मॉडिफाई करता हूं, ये मॉडिफाई कर लिया। अभी तक हमने देखा कि जो हमने ऑर्डर प्लेस किया था उसमें हमने स्टॉप लॉस जो लगाया था और जो टारगेट लगाया था वो परसेंटेज में लगाया था, लेकिन जब आप मॉडिफाई करते हैं जीटीटी ऑर्डर को, तो यहां पर जो ऑर्डर आपको दिखाई देता है वो दिखाई देता है इन टर्म्स ऑफ उसकी प्राइस में, परसेंटेज में नहीं। तो यहां पर आप देखो कि 343 रुपए है और सेम लिमिट प्राइस भी उतनी है, स्टॉप लॉस जितना है उतनी है, प्राइस दोनों सेम है, सेम में टारगेट पे भी यही है। तो अब हम क्या करते हैं, टारगेट प्राइस को रिवाइज कर देते हैं, 353.90 की जगह हम क्या कर देते हैं इसको 351। अब यहां पर आपको एक एरर आएगी, अभी देखिएगा, मुझे पता है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब मैं यहां पर 345 पे लॉस का कर देता हूं, 345। अब इस ऑर्डर को मॉडिफाई करने जा रहा हूं, ये मुझे मॉडिफाई का नहीं करने देगा। देखिए ट्रिगर प्राइस वाज टू क्लोज टू द लास्ट प्राइस, 0.25% का डिफरेंस तो होना ही चाहिए था। अगर आपको परसेंटेज में करना है तो यहां पर आप 0.30 ले लेता हूं, 351.85। तो ये हो गया 0.30 कर दिया मैंने, तो मिनिमम 0.25% होनी चाहिए, उससे ज्यादा ही होनी चाहिए। उसके बाद आप मॉडिफाई पे क्लिक कीजिए, ये देखिए ऑर्डर मॉडिफाई हो गया। तो अब इनमें से जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद दूसरा ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो अभी तक हमने सारी चीजें सीख ली हैं कि पहला हमने सीखा था मार्केट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, दूसरा हमने समझा लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, तीसरा हमने समझा कि बाय ऑर्डर लगाने के बाद स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, और इसके साथ साथ हमने सीखा अब कि जीटीटी ऑर्डर के अंदर किस तरह से आप अपने स्टॉक में टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगा पाएंगे। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, मैंने आपको मॉडिफाई भी करना सिखा दिया कि ऑर्डर को कैसे मॉडिफाई करते हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा वेट किया हमने तो सेम प्राइस पर ट्रिगर हो गया, सेल आईसीआईसीआई बैंक इज कंप्लीटेड, ट्रिगर्ड जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो यहां पर अगर पोजीशन में जाके देखेंगे तो ये देखिए क्वांटिटी जो है वो सेल आउट हो चुकी है। ऑर्डर्स में जाके देखते हैं, ये सारे के सारे ऑर्डर्स हमारे कंप्लीट पड़े हैं,
जीटीटी ऑर्डर में वापस जाते हैं, तो यहाँ पर ये ऑर्डर जो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अगर इसको आप वापस देखेंगे इन्फो के अंदर, तो ये देखिए ये ऑर्डर आपका कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर अब जो है ऑप्शंस मॉडिफाई का नहीं आ रहा है। तो ये आप इस तरह से स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं और आप टारगेट भी लगा सकते हैं जीटीटी के थ्रू। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने एक ही ऑर्डर के अंदर बाय, टारगेट और स्टॉप लॉस तीनों लगा लिया और तीनों ऑर्डर को एग्जीक्यूट करके बताया है। तो यहाँ पर अब मैं कुछ सवालों के आपके आंसर कर देता हूं जो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। पहला, सीएनसी ऑर्डर अगर आप लगाते हैं तो सेम डे में आप ऑर्डर को बाय और सेल कर सकते हैं और इसके अंदर जितना भी पैसे का आप स्टॉक खरीदेंगे वो सारे का सारा पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। जबकि एमआईएस के अंदर अगर आपके पास 10,000 रुपए भी हैं तो आप 1,00,000 का स्टॉक बाय कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है स्टॉक टू स्टॉक, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप सीएनसी पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आप सेम डे में तो सेल कर ही सकते हैं, सेम डे के अलावा आप कल अगर चाहें तो आपको कल वो होल्डिंग के अंदर T1 डेज करके आ जाएगा। यहां पर जैसे आता था यहाँ T1 डेज लिखा रहता है, तो यहाँ पे आप जाके और यहां से एग्जिट कर सकते हैं, तो इस तरह से आप उसको भी एग्जिट कर पाएंगे। तीसरा, अगर आप सेम डे में बाय करके सेम डे में सेल करते हैं तो आपको जो ब्रोकरेज के चार्जेस हैं वो इंट्रा डे के लगेंगे, ना कि डिलीवरी के, ये बात याद रखिएगा। क्योंकि आपने उसका ट्रांजेक्शन पहले ही कर लिया, आपने अपने शेयर को होल्डिंग में जाने ही नहीं दिया, यानी डीमेट अकाउंट में जाने ही नहीं दिया, उससे पहले ही उसका ट्रांजेक्शन खत्म कर दिया, तो यहां पर आपको इंट्रा डे के चार्जेस देने पड़ेंगे। तो आई होप आपको सारे के सारे ऑप्शन सीएनसी में क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।